फार्मासिस्ट अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर कर रहे कार्यों का बहिष्कार। पिछले 11 सालों से अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र के बाहर लटक रहे ताले कार्मिकों ने किया बहिष्कार। कार्य बहिष्कार की वजह से मरीजों को हो रही परेशानियां, लग रही लंबी लंबी कतारें लेकिन नहीं मिल रही दवा। डीडवाना फार्मासिस्ट संघ की ओर से अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की वजह से मरीजों को काफी परेशानियां झेलने पड़ रही है। वहीं राजस्थान भर में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी के तहत डीडवाना जिले में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र के बाहर ताले लटके हुए नजर आए। वहीं मरीजों की बाहर लंबी लंबी कतारें भी नजर आई, लेकिन निःशुल्क दवा वितरण केंद्र पर ताले लटके होने की वजह से मरीजों को दवा नहीं मिल पाई। वहीं फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार से हम लगातार पिछले 11 सालों से हमारी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री यह भी कह रहे हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाओगे। इसके विपरीत सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी विरोध प्रदर्शन के तहत आज पूरे राजस्थान भर में एक दिन का कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसमें समस्त निःशुल्क दवा वितरण केंद्र बंद रहेंगे और कार्य बहिष्कार के साथ में ही सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। सात सूत्री मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके तहत निःशुल्क दवा वितरण केंद्र पर ताले लटके रहे और मरीजों को दवा नहीं मिली। इस मौके पर फार्मासिस्ट अशोक सोलंकी, प्रवीण सैनी, सुभाष सैनी, रतनलाल डुकिया आदि मौजूद रहे। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के प्रदेश व्यापी आह्वान पर हम सभी फार्मासिस्ट आज जिला डीडवाना कुचामन के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी मांगे है सरकार पर, बार बार हमने सरकार को अवगत कराया, कलेक्टर के मार्फत भी हमने ज्ञापन दिए हैं, हमने सांकेतिक धरने भी दिए हैं, हमने गांधीवादी तरीके से भी सरकार को बार बार अवगत कराया, उसके बावजूद भी आज तक सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार 25 दिनों से हम लगातार हम सरकार की ओर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि हमारी वाजिब मांगों पे ध्यान दिया जाए। गत पिछले 11 साल से हमारी वाजिब मांगे हैं जो सरकार आज तक नहीं सुन पाई है। हम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के वो करंदार हैं जिन्होंने, मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि ये निःशुल्क दवा योजना पूरे भारत में नंबर वन है, तो नंबर वन पहुंचाने वाले हम फार्मासिस्ट बार बार हम जननायक से अनुरोध करते हैं कि हमारी वाजिब मांगों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। उसके बावजूद हमको मजबूरन आज एक दिन के मास सेल पर पूरे राजस्थान के फार्मासिस्ट प्रदेश व्यापी आह्वान पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपनी वाजिब मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए। और आज हम सभी राजस्थान के सभी फार्मासिस्ट एकजुट होकर सरकार से हम यही आह्वान करते हैं कि हमारी वाजिब मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। मजबूरन जो निःशुल्क दवा योजना से जो मरीज है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें आज राजस्थान के हर काउंटर पे लगी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द, जननायक है वो, उन्होंने बोला भी है कि मैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकेंगे। हम तो साहब 11 साल से मांग रहे हैं, आज तक हमारी वाजिब मांगों पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं हुआ है। तो हम जल्द से जल्द सरकार से करते हैं कि जो भी हमारी गैर वित्तीय और वित्तीय जो मांगे हैं उन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। मैं जिलाध्यक्ष रतनलाल डुकिया, डीडवाना जिला शाखा, डीडवाना कुचामन।